अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है मंडे और जो है ना, हमने आज कुरानी है घर में, कुरान खवानी। कल संडे था, कल प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जो है ना कल बच्चे नहीं मिले, तो बस आज जो है ना पापा आज फिर घर हैं। कल इसी वजह से जो है ना छुट्टी की थी, लेकिन जो है ना कल पॉसिबल नहीं हुआ। आज जो है ना वो बच्चों को बुलाया। लाइट हमारी जो है ना वो सुबह से बंद है, ये हमारी बैड लक हो गया। तो बस अभी जो है ना जिन्होंने भाई ने नियाज बनानी है, मतलब देग बनाने वाला, वो आ गया है। तो पहले पुलाव बनेगा, फिर जर्दा बनेगा। कुछ जो है ना घर में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ जो है ना बाहर जो नेबर्स में, मतलब कुछ बाहर जो आपको पता है मजदूर लोग खड़े होते हैं, उनमें करेंगे। तो बस जो है ना बच्चे आने वाले हैं, मैंने कहा चले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। मैं और फातिमा हम इधर अंदर पढ़ेंगे और हमारी लाइट बंद है, अंधेरा आपको लग रहा होगा, है ना? तो बस सारे जो है ना अपने अपने हिस्से के काम करें। मैं ज़रा काम शाम करके फ्री हो गई थी, मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले जो चावल है ना, ये जर्दा चावलों के लिए अलग भिगोए हुए हैं, और वो जो चावल है ना वो ज्यादा है, वो बड़ी देख के हैं। ये वाले पहले पुलाव बनेगा, बाद में जर्दा बनेगा, इसलिए भाई साहब जो है ना इसको भी सुख धो रहे हैं। बाहर जो है ना वो नाई आ गया देख बनाने के लिए। भाई मेरे दोस्त हैं तनवीर। क्या गया Allahumma salli
यार हमारा बैग है ना في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان رقاب كلام پڑھنا سنت المحبوب کی نافل پڑھنے جو فرما کلام پڑھتے ہیں بل کیا سب کو تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما پڑھنے میں پڑھانے میں سننے میں سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ پاک اس پاک کلام کا ثواب اس محفل کا ثواب اس اہتمام کا ثواب جو ہمیں تیری بارگاہ سے حاصل ہوا خصوصاً بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبۃً ادبًا پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما پیارے آقا کی وسیلے سے 124,000 کو پیش پیغمبر یا اللہ پاک ان سب کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ پاک ہمارے اظہر بھائی کے والد محترم وفات پا گئے اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ Thank you.
और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह जी, बहुत तिलावतें की है, खाने पाक पढ़ा है, नाते भी पढ़ी है, नाते भी पढ़ी है जी। और माशाल्लाह खुश है सब, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तौफीक दे। मैंने नियत की है कि हर महीने इन बच्चों को बुलाया करूंगी इंशाल्लाह। शाह साहब ने खत्म बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी इन्होंने खत्म दिलवाया है जी, है ना। नहीं नहीं और जो बच्चे थे ना वो माशाल्लाह से पढ़ के चले गए, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था। अब जो देग और वो मीठे चावलों वाला देख था ना पापा जी थोड़ा सा पीछे, ये हम उठाकर ना अंदर ले आए। ये अब ये शॉपर बनेंगे, ये सारे मोहल्ले में और जो गरीब मतलब बाहर बैठे होते हैं ना, मुझे कहना नहीं आ रहा, मजदूर लोग वगैरह जो ज्यादा बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है लंगना तक सीन बना। हां जी जिधर जिन्हें ज्यादा बंदे मुंह पाएगा उतना चंगा होगा। ये पैकेट वगैरह अब हम बनाते हैं, मैंने कहा पहले मैं दिखा दूं, फिर तसल्ली से पैकेट बनाएंगे बनाकर, तो फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। अब्बू ने उसे बिठाता, देखते कि तुसी देख सांभो, शापर असी आपे बना लूंगे। चलें जी, शॉपर जाना काफी हद तक बन गई है, बाकी काम जाना जारी सारी है, काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पापा कर रहे हैं। हां सब दे सब दे सब दे भाई, आज की छुट्टियां बोलिए काम नहीं हुआ तो एक अरे साहब चलिए आ लो कैसे कर अपना पागल पागल ए राम ना राम ना राम ना ना सिर्फ ये इतने से चावल रखे हैं, जितने चावल थे ना माशाल्लाह सारे बांट दिए, सारे बर्तन भी साथ साथ धो दिए। ये वो देश के हैं जिनको हमने मिट्टी वगैरह लगाई थी कि चूल्हे के ऊपर गंदे होंगे, वो भी आप ही ने धो दिए। और ये जितने चावल वगैरह भिगोए थे, बिस्मिल्लाह ये हो गया है। कॉल आई हुई अम्मी, बात करी नीचे से, देखते क्या हाल हुआ, अभी यहाँ से सारी सफाई होगी। और ये रहा वो देगचा जिसमें मीठे चावल बने थे, खाली कर दिए, अब इसको धोना है बस, इसको ना क्या नाम है इसका, इसको पापा धोएंगे, अबू ने खाएंगे, मैं धो दूंगा इसके ऊपर ना, क्योंकि ये जो है ना ब्लैक ब्लैक बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हाथ गंदे हो रहे हैं मेरे तो। ये देखें अंगूठे पर क्या हाल हुआ, ये आ रहा है ना यहाँ से, अभी मैंने हाथ भी धोने, कालख लगी हुई है हाथों को, ये देख भी हमने फारिग कर दी है, खाली कर दी। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, इतने अच्छे से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या बात है, मज़ा आ गया। और जड़ा हूँ काम करके मज़ा आना ना, वो भी स्टाइलिश किस्म का ही होना है। किचन भी माशाल्लाह मेरी बहन ने क्लीन कर दी है, क्या बात है, वाओ। ये भी आ गया अपने दोस्तों को बांट के, चावल चुवल वांडा ही सारे, बच्चा चोला खाली करके आया है, सारे दे दिए हैं। चलें जी अब हम सफाई करते हैं, और उसके बाद घर में टेंट क्लीन है इंशाल्लाह। जाओ देखिए जरा फिर अब क्या है, क्वार्टर में पानी भर दो।